नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 जून, दिन बुधवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश पर गिरिराज सिंह का तंज। भाजपा के सांसद ने नीतीश कुमार को बताया देश का प्रधानमंत्री। बिहार में सरकार बदलने की वजह सुशील मोदी ने बताई ललन सिंह को। शिक्षक भर्ती नियमावली में हुए बदलाव पर बरसे कुशवाहा। बाइक मरम्मत करते दिखे राहुल गांधी। अब चलिए बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश पर गिरिराज सिंह का तंज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने सीएम नीतीश पर तंज कसने का काम किया है। दरअसल उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की अपनी कोई विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि वह हर दिन ना वादा खलीफी करने का काम करते हैं। नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रह गए। महागठबंधन की बैठक में दुल्हों का दंगल लगा था, पर इस बार भी नीतीश कुमार कुमारे रह गए। लालू यादव 2024 से पहले उन्हें गर्दन या पासपोर्ट देकर निकाल देंगे। नीतीश कुमार को इस बैठक को लेकर लगा था कि उन्हें बैठक में संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन लालू यादव ने हंसते हंसते राहुल गांधी का नाम आगे कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक लालू हैं, राहुल है, तब तक दूसरा दूल्हा कहां बनने वाला है। ऐसे भी 2024 में प्रधानमंत्री का कोई पद खाली नहीं है। सीएम नीतीश के बाद सुशील मोदी पहुंचे राजभवन। एक तरफ जहां आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेडकर से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे, तो वहीं नीतीश कुमार के बाद राज्यपाल से मिलने के लिए बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी भी राजभवन पहुंचे, जिससे कि एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि मुलाकात के बाद सुशील कुमार मोदी के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि यह महज एक संयोग था कि मुझसे पहले यहां सीएम आए थे। उन्होंने अपनी मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताई है। हम दोनों कॉलेज के दिनों में विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे हैं। ऐसे में राज्यपाल बेहतर ढंग से विश्वविद्यालय को चला रहे हैं, मैं इसकी ही बधाई देने आया था। भाजपा के सांसद ने नीतीश कुमार को बताया देश का प्रधानमंत्री। इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा काफी सुर्खियों में बनी हुई है। ऐसे में अब इस कड़ी में भाजपा के सांसद के द्वारा भी सीएम नीतीश को देश का प्रधानमंत्री बता दिया गया है। दरअसल पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के दौरान भाजपा सांसद सुनील कुमार सिंह के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि मैं दक्षिण बिहार के लोगों को यह अनमोल उपहार देने के लिए प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे में सांसद का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जगह पर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बोल दिया। हालांकि इस वीडियो में यह भी दिख रहा है कि भाजपा सांसद ने कुछ सेकंड के अंदर ही अपनी इस गलती को सुधार लिया। बिहार में सरकार बदलने की वजह सुशील मोदी ने बताई ललन सिंह को। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के द्वारा मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत बेगूसराय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया गया कि बिहार में सरकार बदलने की वजह ललन सिंह है। उन्होंने कहा कि मुंगेर सांसद ललन सिंह की वजह से बिहार में सत्ता बदली, इस बार वो लोकसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन भी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के पीठ पर चूड़ा भोगने का काम किया है, बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इस बार ललन सिंह को आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि ललन सिंह ने लालू को जेल भिजवाया और आज उन्हीं के साथ हाथ मिलाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के द्वारा देश के लिए किए गए कामों के बारे में भी जानकारी दी। लालू यादव को लेकर बोले जगदानंद। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा एक तरफ जहां जमकर भाजपा पर हमला बोला गया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने जमकर लालू प्रसाद यादव की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि लालू यादव कभी दंगाइयों और उन्मादी के सामने घुटने नहीं टेके, वे जनता के हमेशा से हीरो रहे हैं, वे हमेशा गरीबों के साथ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी की हरकत शर्मनाक है, अगर देश का प्रधानमंत्री धमकी देने लगे तो समझ जाइएगा कि देश की क्या दुर्दशा होगी। उनसे सारा देश सवाल पूछ रहा है, लेकिन वे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अडानी और अंबानी अरबपतियों के गुलामी करने वाले इस श्रेष्ठ भारत के गलत प्रधानमंत्री, इस तरह की हरकत शर्मनाक है। देश को बचाने के लिए देश की जनता तैयार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले अंग्रेजों के दलाल हैं, पीएम मोदी घोटालेबाज हैं, लाखों घोटाले और व्यापारियों के रक्षक हैं, इन्हें देश कभी माफ नहीं करेगा। इनको कुर्सी से हटाने वाली ताकत का केंद्र बिंदु लालू प्रसाद यादव बन गए हैं। अयोध्या में होगी वीआईपी की कार्यकर्ता सम्मेलन। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वीआईपी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या के हनुमानगढ़ी में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने वाले हैं, जिसमें वे खुद भी शामिल होंगे। बता दें कि उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन अयोध्या में आगामी 2 जुलाई को होने वाला है, और इसी सम्मेलन के तहत पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश करेगी और साथ ही बूथ की क्षमता बढ़ाने की भी कोशिश करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 जुलाई को होने वाले इस कार्यकर्ता सम्मेलन को मुकेश सहनी के द्वारा संबोधित किया जाएगा, जिसमें पार्टी के कई जिलों के कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।
शिक्षक भर्ती नियमावली में हुए बदलाव पर बरसे कुशवाहा। शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 में पिछले 11 दिनों में हुए 8 बदलाव को लेकर आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा ट्वीट कर कड़ी आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह से छत-विछत कर देने का मानो ठेका ही ले लिया है। राज्य में जो नियोजित शिक्षक हैं और लाखों एसटीईटी सीटीईटी क्वालिफाइड शिक्षक अभ्यर्थी सालों से सरकार की लचर नियमावली एवं बहाली प्रक्रिया के कारण बेरोजगार बैठे हैं। रिक्तियां लाखों में है लेकिन बहाली की प्रक्रिया अब तक सुदृढ़ नहीं हो पाई है, जिसका सीधा असर बिहार के शिक्षा व्यवस्था और नौनिहालों के भविष्य पर पड़ रहा है। बीपीएससी के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया जारी है और इसी बीच सरकार द्वारा 11 दिनों में अब तक शिक्षक भर्ती नियमावली में 8 संशोधन हो चुके हैं। आने वाले दिनों में न जाने और क्या क्या बदलाव होंगे। इस दिन से शुरू होगी मांझी की गरीब संपर्क यात्रा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक में यह कहा गया कि वे 16 जुलाई से गरीब संपर्क यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। इस दौरान वे सड़क पर उतरकर जनता से संपर्क करेंगे और मौजूदा स्थिति पर चर्चा करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर बीते दिन पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पांडे के द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन के निर्देश पर नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की गई, जिसमें जीतन राम मांझी पार्टी के संस्थापक संरक्षक 4 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सहित कुल 6 राष्ट्रीय महासचिव 9 राष्ट्रीय सचिव 19 राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कुल 40 सदस्यों के नाम शामिल है। वहीं संतोष सुमन के द्वारा 10 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों के नाम की घोषणा बाद में की जाएगी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। बाइक मरम्मत करते दिखे राहुल गांधी। बीते दिन कांग्रेस के पूर्व सांसद व पार्टी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट राहुल गांधी दिल्ली के करोल बाग के एक गैराज में बाइक रिपेयर करते दिखे। बता दें कि उन्हें इस तरह देखने के लिए गैराज के बाहर लोगों की भीड़ लग गई, वहीं कई लोगों ने उनका वीडियो भी बनाया। इसके साथ ही राहुल गांधी के द्वारा बाइक रिपेयर करने और मैकेनिक से बातचीत करते हुए की तस्वीर को कांग्रेस के द्वारा भी अपने ट्विटर हैंडल पर डाला गया है। इस दौरान राहुल गांधी कई दुकानों में भी गए और वहां के स्थानीय कारोबारियों और दुकानदारों से बातचीत भी की और उनकी समस्याओं को जाना। बता दें कि राहुल गांधी के द्वारा भी लोगों के साथ की गई अपनी बातचीत की तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट की गई है और साथ ही एक कैप्शन भी लिखा गया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि रिंच घुमाने वाले और भारत के पहियों को गतिमान रखने वाले हाथों से सीख रहा हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से की मुलाकात। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे। बता दें कि इस दौरान सीएम नीतीश राजभवन में लगभग 45 मिनट तक रहे। इस दौरान सीएम नीतीश के द्वारा राजभवन में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया गया और साथ ही पटना कमिश्नर कुमार रवि को भी राजभवन में बुलाकर उनसे निर्माण कार्य में हो रही देरी की जानकारी ली और इसे जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं इस मुलाकात के बाद सीएम नीतीश राजभवन से निकलकर सीधे मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच हुई इस मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा तेज हो गई है। हालांकि राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा इस मुलाकात को शिष्टाचार का मुलाकात बताया गया है। प्रधानमंत्री को राज्यसभा सांसद ने दी अध्ययन करने की सलाह। बीते दिन मंगलवार को पीएम मोदी के द्वारा यूसीसी भ्रष्टाचारियों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के द्वारा पीएम मोदी को अध्ययन करने की सलाह दी गई। उन्होंने कहा कि कई बार पीएम मोदी की बातों को सुनकर लगता है कि वह डॉग व्हिसल का रीजन ढूंढते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बोलने से पहले 21वीं लॉ कमीशन के रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए कि उनको क्या कहना है, संविधान सभा की बैठकों में क्या चर्चा हुई थी उस पर उन्हें गहन चिंता करना होगा और वह भी बिना किसी मदद के, क्योंकि उनके जो मददगार हैं वह उनका नुकसान करवा देते हैं। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि पीएम मोदी को बताया जाए कि यह डॉग विसल नहीं है, यह हिंदू मुसलमान हो जाएगा। इसमें जो हमारे आदिवासी समूह हैं उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराओं को किस प्रकार देखा जाता है, हिंदू मैरिज इस्लामिक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इनका क्या होगा, हिंदू धर्म के अंदर भी जो विविधता और बहुलता है उसके किस प्रकार एक दृश्य सब खत्म कर देंगे। हमारी यह आपसे अपेक्षा है कि इस तरह की मसलों को डॉग विसल को पॉलिटिक्स का उपकरण न बनाया जाए। राहुल गांधी के खिलाफ अमित मालवीय को ट्वीट करना पड़ा महंगा। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के आरोप में कांग्रेस नेता रमेश बाबू की शिकायत के बाद कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में मालवीय के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए 120 बी 505 2 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक अमित मालवीय के द्वारा ट्वीट कर राहुल गांधी के खिलाफ लिखा गया था कि आरजी खतरनाक है और अंदरूनी सूत्रों का खेल खेल रहे हैं। इससे ज्यादा खतरनाक वह लोग हैं जो सैमपी जैसे राग के जरिए भारत में कट्टरता फैला रहे हैं। ऐसे लोग पीएम मोदी को शर्मिंदा करने के लिए विदेशों में बदनाम करने तक में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राजस्थान में सभी 2 सभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप।
राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी सहित सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के द्वारा इस चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। दरअसल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल के द्वारा कहा गया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। इसके साथ उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अशोक गहलोत राज्य में भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम है। राज्य में अपराध की ग्राफ बढ़ गया है, खासकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा ने राज्य की छवि धूमिल करने का काम किया है। महागठबंधन को लेकर प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी। राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा महागठबंधन को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की गई है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन को अगले चुनाव में टूटना तय है। उन्होंने कहा कि यह महागठबंधन अभी भी इसलिए चल रहा है क्योंकि इसमें नीतीश कुमार पूरी प्लानिंग के साथ है। मैंने वर्ष 2015 में महागठबंधन बिहार में बनवाया था, इसलिए मुझे पता है कि महागठबंधन का भविष्य क्या होगा। नीतीश कुमार को पता था कि 2024 के चुनाव जीतने के बाद भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री रहने नहीं देगी, इसलिए उन्होंने पूरा आकलन कर बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने का इंतजाम कर लिया ताकि वे 2025 तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। नीतीश कुमार को न तेजस्वी यादव से प्यार है और न ही उनकी पार्टी आरजेडी से। अपने जीवन में वे कभी आरजेडी के समर्थक नहीं हो सकते। उनके बोलने का मकसद सिर्फ इतना है कि आरजेडी 2025 तक उन्हें सीएम बना रहने दे। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सयोनी घोष को ईडी का समन। ईडी के द्वारा पश्चिम बंगाल के तृणमूल युवा कांग्रेस नेता सयोनी घोष को शिक्षक भर्ती मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। बता दें कि अब सयोनी घोष को 30 जून को उनसे कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित जांच एजेंसी के दफ्तर में पेश होगा। बता दें कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उनसे कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और शिक्षा घोटाले के मामले में गिरफ्तार किए गए टीएमसी युवा नेता कुंतल घोष के साथ संबंध के बारे में पूछताछ की जा सकती है। बता दें कि मेरी जानकारी के अनुसार इस मामले को लेकर ईडी के हाथों कई सुराग लगे हैं, जिनके बारे में पूछताछ करने के लिए सयोनी घोष को समन भेजा गया है। मालूम हो कि वर्तमान में कुंतल घोष स्कूल भर्ती मामले में कथित संलिप्तता में कारण न्यायिक हिरासत में है। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाव हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, जितेंद्र ठाकुर। चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार क्या गिरिराज सिंह के द्वारा कहे अनुसार नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीयता समाज में खोते जा रहे हैं? आप जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।